welcome the one and only Mr. Kashif Aslam. इतने महीनों से इंतजार था कि वो क्लास वो दिन आ जाए कि हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो दिन है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत नर्वस भी। सुबह सुबह उठी, सामान वगैरह रात को ही पैक कर दिया था और अब हम जा रहे हैं लाहौर की तरफ, अब BMW में। ठीक है, सो पैकिंग वगैरह और जो सुबह के काम थे जल्दी जल्दी में ना मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि आप जब कहीं जा रहे होते हो ना तो आप के लिए वो चीज़ ज़्यादा मेन होती है। खैर, अब जो है हम पहुंच गए हैं वेटिंग रूम में। हम यहाँ पे अपने बस का वेट कर रहे हैं, हम जा रहे हैं थ्रू फैसल मूवर। बस की जो टाइमिंग थी ना वो थी 10:30 बजे की, और 10:30 बजे की थोड़ी देर के बाद ही बस आ गई थी और हम बैठ भी गए थे, और सब कुछ कंफर्टेबल ही था, मतलब सफ़र अच्छा रहा और बस भी काफ़ी अच्छी थी, मतलब कोई मसला नहीं हुआ। बाकी उसके अलावा जो है ना अभी एक स्टॉप आया है, वहाँ पे हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए, स्टे करते हैं, वॉशरूम वगैरह जाना होता है या खाना पीना कुछ होता है। सो एक मतलब दिल में, अब जी लाहौर के काफ़ी ज़्यादा करीब हम पहुँच चुके थे तो दिल में एक ही बात थी कि कैसे होगा सब, क्या होगा, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इस तरह की किसी चीज़ में जा रही थी, कोई क्लास अटेंड करने जा रही थी, और वो भी ऐसी जगह जहाँ पे मुझे पता था कि मतलब बहुत ही ज़्यादा रश होने वाली है, बहुत लोग होंगे और बहुत ही कॉन्फिडेंट लोग होंगे। मैं तो बहुत कम बोलती हूँ या इस तरह से, तो मतलब इस तरह की बहुत काफ़ी ज़्यादा बातें दिल में आ रही। सो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिसका कई महीनों से बल्कि कई सालों से मैं इंतज़ार कर रही थी। तो आज है जी 5 मार्च और सुबह को 7:30 बजे तकरीबन मैं उठी हूँ, इसलिए क्योंकि हमने जाना है 8 बजे तक। हमें कॉल करके कहा गया था कि आप 8 बजे तक आ जाइएगा, लेकिन मैं 7:30 बजे उठी। उसके बाद मैंने शीट मास्क निकाले और अपने फेस पे अप्लाई किए। अच्छा, इन शीट मास्क के साथ ना मेकअप की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ईजियर हो जाती है, स्किन में ग्लो आ जाता है और काफ़ी स्किन स्मूथ सपल हो जाती है। सो डू ट्राई इट, ये मेरा हैक है। खैर, उसके बाद मेकअप वगैरह मैं सेट करके रख रही थी और देख रही थी कि भाई कौन सा सामान मेरे लिए ज़रूरी है कौन सा नहीं, और साथ में स्ट्रेटनर भी मैंने ऑन कर दिया था ताकि हीट अप हो जाए। मैं पहले बालों को स्ट्रेट करती हूँ, उसके बाद फिर मेकअप करती हूँ, फिर ये मेरे लिए इजी हो जाता है क्योंकि बाल फिर बन जाते हैं। ये है जी मेरा ओवरऑल लुक। तो मैंने पहना था ये ग्रे टाइप गाउन और दूसरा साथ में पेंडेंट और एक ग्लासेस लगाए थे। उसके बाद अम्मी कह रही थी जल्दी से नाश्ता करो नाश्ता, मैंने कहा नाश्ता तो मैं नहीं करूँगी, जस्ट चाय पीऊँगी, और चाय भी मैंने गिरा दी। इतनी ज़्यादा मैं नर्वस थी और एक्साइटेड थी कि मतलब कैसे होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली थी, फर्स्ट टाइम किसी मतलब ऐसी जगह जा रही थी जहाँ पे कोई मेरे साथ नहीं होगा। खैर, हम काशिश के सैलून पहुँच चुके हैं। हमने जहाँ पे होटल की बुकिंग करवाई थी ना तो वहाँ से 5-10 मिनट के ही डिस्टेंस पे था, सो इजीली हम पहुँच जाते थे 5 मिनट में। खैर, ये है अंदर से काशिश का सैलून। सबसे पहले हम गए जी काउंटर पे, जहाँ पे ये बैठे थे आपको पास देने के लिए, यानी आपने अपना बुकिंग कार्ड दिखाना था, उसके बाद जो है ना ये आपको देंगे पास जिससे आप इंटर करोगे क्लास के अंदर। अब मैं बड़ी चिल थी, मैंने कहा हाँ मुझे भी मिल जाएगा, मैं भी बस खड़ी होकर बस उनको देख ही रही थी। लेकिन आपने ये वाली गलती कभी भी नहीं करनी, कभी भी नहीं, जैसे जाओ फौरन से अपनी पहले ना पास ले लो। क्यों? क्योंकि पास ही जो है ना वो चीज़ है जिसमें आपके नंबर लिखे होंगे सीट्स के, कि आप कितना आगे बैठोगे कितना पीछे बैठोगे। अब मैं चिल होकर खड़ी हुई थी, देन आई रियलाइज़ कि यार मैं तो ऐवें ही खड़ी हुई, मतलब मुझे पहले ही ले लेना चाहिए था पास, क्योंकि फिर मेरा नंबर काफ़ी ज़्यादा फ्रंट का लगता। और दूसरी बात जो मैंने गलती की थी वो ये, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम क्लास लेते हो ना तो आप एक गलती करते हो, वो ये कि आप बहुत देर से चले जाते हो, तो वहाँ पे ऐसे भी लोग थे जो 6-6 बजे के आए हुए थे। ठीक है, 6-6 बजे के, इमेजिन, और हम लोग गए थे 8:30 बजे, तो जो 6-6 बजे गए हुए थे वो उनको फ्रंट वाली सीट्स मिल गई थी, यानी भले उनकी बुकिंग आखिरी दिन पे भी की गई हो लेकिन उनको सीट्स आगे की मिली, और उन्होंने ना एक ही दिन में दोनों दिन के सीट नंबर लिख लिए थे। अच्छा, हमें यह था पता कि क्लास 3 दिन होगी, लेकिन क्लास एक्चुअली में 2 दिन थी और 1 दिन थी सर्टिफिकेशन डे। ठीक है, हम सोच रहे थे सर्टिफिकेशन का दिन क्यों भला उन्होंने एक अलग से चूज़ किया, लेकिन जिस दिन सर्टिफिकेशन डे का व्लॉग आएगा ना तो मैं आपको दिखाऊँ
बताऊंगी कि मतलब क्यों उन्होंने ये एक पूरा दिन अलग से चुना। दूसरा ये कि उन्होंने एक ही दिन में ना दोनों दिन के सीट्स नंबर लिख लिए थे, यानी फर्स्ट डे का भी सेकंड का भी। तो मेरा एक दिन 59 था और दूसरे दिन 159, यानी कि पूरी 100 सीटें पीछे में बैठी थी। खैर, उसके साथ एक दूसरी चीज़ जो मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ उस वक्त कि जो है ना, हमने 2000 रुपीस अलग से पे करने हैं फॉर पिक्चर, यानी कि जिस दिन सर्टिफिकेशन होगी ना उस दिन हमने काशिफ सर के साथ जो पिक्चर बनवानी है ना, मतलब प्रोफेशनल जो शॉट होगा उसके लिए हमें पैसे पे करने होंगे। यानी वो हमें फ्रेम में पिक्चर देंगे अपनी हार्ड कॉपी में, ठीक है, वो सर्टिफिकेट देते हुए पिक्चर जो लेंगे ना वो, उसके हमें पैसे पे करने हैं। अगर पैसे पे नहीं करोगे तो आपकी पिक्चर नहीं ली जाएगी। मतलब ये थोड़ा सा मुझे ना ऑकवर्ड टाइप का लगा कि यार इसके भी पैसे, वाई, मतलब मुझे अजीब लग रहा था। लेकिन बाद में फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब सर्टिफिकेशन वाला डे आया, तो मैंने कहा यार पैसे ज़रूरी थे। सब ने ही ना अपने सैलून में पिक्चर्स लगानी थी और हर कोई यहाँ पे या तो सर्टिफिकेट लेने आया था कोई, या फिर पिक्चर लेने आया था अपने सैलून के लिए, अपने सैलून की प्रमोशन के लिए ना, तो ये चीज़ कोई मिस नहीं कर सकता था। तो अभी भी रश लगी हुई है कि यहाँ पे पिक्चर के लिए हर कोई पैसे पे कर रहा है, और एक छोटा सा वो पेपर देते थे ताकि एक रिसिप्ट कि आप इसको रख लो अपने पास और डे थर्ड पे आप ये दिखाना और आपकी पिक्चर बनेगी। खैर, उसके बाद जी काशी सर का जो सैलून है उसकी बात में करूँ ना, तो एकदम VIP है और महलों वाली वाइब्स आती हैं। यानी आप किसी महल में घूम रहे हो, उनका गार्डन, इनके मतलब वाइब भी बहुत अच्छी है सैलून की सारी की, ओवरऑल ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। यानी इनके जो फोटोशूट्स होते हैं ना वो इसलिए इतने अच्छे आते हैं क्योंकि इनका बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब इन्होंने अपने सैलून में इतनी मेहनत की है ना, इतनी डिटेल्स के साथ इन्होंने एक एक चीज़ को डिज़ाइन किया है, तो सोचें कि वो अपने प्रोडक्ट्स में, वो अपने मेकअप में कितनी ज़्यादा जान और क्वालिटी वो डालते होंगे, जो शख्स अपने सैलून को इतना प्यारा बना सकता है, इतना बनवा सकता है, यू नो। खैर, उसके बाद उन्होंने एक जगह अलग से सेटअप बनवाया हुआ था इस तरह से, जहाँ पर लिखा हुआ था काशीज मास्टर क्लासेस, यहाँ पर हर कोई पिक्चर वगैरह बनवा रहा था। मैं सैलून के अंदर जैसे ही इंटर की थी ना, तो मतलब बहुत ही कंफ्यूजन में थी। हर तरफ अलग अलग टाइप के लोग थे, काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी एज की भी लेडीज़ थी। तो मुझे ये था कि यार मैं यहाँ पे आ गई बिल्कुल छोटी सी, लेकिन सच बताऊँ तो मिक्स लोग थे सारे के सारे, कोई बड़ा कोई छोटा, इस तरह एज के ग्रुप के लोग थे काफ़ी ज़्यादा ना। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने नोट किया ना वो ऐसा ही था कि 30+ लेडीज़ थी, उनके इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, मतलब वो इतना कुछ काम कर चुके थे ना, इतना कुछ उन्हें आता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मतलब उनके सामने जितना वो काम कर चुके थे। खैर, काशी सर के सैलून का मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें, कपड़े भी साथ लगे हुए थे और लोग बस आते जा रहे थे, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था तो एक जगह जो है ना वो रश इकट्ठा होना शुरू हो गई। तो मुझे समझ आ गया कि यहीं से ही कहीं क्लास वगैरह स्टार्ट होगी, तो मैं भी साथ खड़ी हो गई। और अब तक जो है ना मेरी बहुत अच्छी दोस्तें बन चुकी थी, दो फ्रेंड्स मेरी बन गई थी जिनकी मैं पिक्चर्स ले रही थी, वो मेरे पिक्चर्स ले रहे थे। सो अच्छी खासी हमारी दोस्ती हो गई। अब यहाँ पे जितने भी लोग थे ना वो सब बहुत हम्बल थे, खासकर काशी सर के जो स्टाफ का स्टाफ की मैं बात करूँ ना, उनके वर्कर्स की बात करूँ, मैंने बहुत सुना हुआ था कि वो काफ़ी रूड हैं, अजीब हैं, लेकिन सच बताऊँ ना उनके साथ हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी कि मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। हर वहाँ की वर्कर, हर स्टाफ मेंबर वहाँ का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा हंसमुख, बातचीत करने वाले, मतलब बहुत प्यार से, ना कुछ ऐसा ना वैसा। खैर, उसके बाद अब हम यहाँ पे खड़े हैं और हर कोई अपना पास दिखा के जो है वो नीचे बेसमेंट में जा रहा है, क्लास जो है वो नीचे होंगी। अब मैं ये सोच रही थी कोई कितनी बड़ी यार, मतलब कितना बड़ा सैलून है ये, मतलब नीचे भी इतनी सारी जगह है माशाल्लाह से। खैर, फिर मैंने अपना पास दिखाया और सीढ़ियों के नीचे से अब जो है ना हम सीधे अपने क्लासेस वाली जगह जा रहे हैं। अब मुझे लग रहा था कि मैं ही फर्स्ट वन हूँ जो अंदर जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसी हूँ और मैंने देखा है कि यार मतलब मैं यहाँ पे तो पहले ही रश लगी हुई है, मैं तो बाद में आई हूँ, आखिर में आई हूँ। तो अंदर जाते ही यहाँ का जो एनवायरनमेंट था, जो सुकून था, बहुत अच्छा लग रहा था। 59 फ्रंट पे आपका कॉल क्या था? आयशा, आपका कॉल सुन के आयशा।
59 मैंने जैसे ही सुनाना 59 फ्रंट पे, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि यार मतलब मैं फ्रंट पे हूँ। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह मिल गई थी, ऐसी जगह मिली थी जहाँ से हमें काशिफ सर जो है ना वो इजीली नज़र आ जाते। लेकिन अब यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि काशिफ सर कब आएंगे, कैसे कब क्लास स्टार्ट होगी। तो क्लास की जो एक्चुअल टाइमिंग थी वो थी 10 बजे, ठीक है, लेकिन अब तक जो है ना वो 11 हो चुके थे। मेरा जो सीट लगा था ना नंबर, वो बिल्कुल ही साइड पे था, बिल्कुल कोने में, इतना कि मुझे अपने ऊपर वाला LCD भी सही से नज़र नहीं आ रहा था। मुझे अपना काफ़ी ज़्यादा जो है ना फेस ऊपर करना पड़ रहा था LCD देखने के लिए, तो मैं साइड वाला दूसरा LCD देख लेती थी। तो अब जो है ना मैंने कहा बैठे बैठे क्या करना, जाते हैं थोड़ा सा आगे। तो इस तरह से उन्होंने सारा मेकअप जो है डिस्प्ले पे लगाया हुआ था, और ये बैकग्राउंड था सारा जहाँ पे काशिफ सर ने मेकअप करना था, एक्सटेंशंस वगैरह लगी हुई थी, और ये सीट चेयर वगैरह सब पड़े हुए थे। यहाँ पे जो है ना वो मेकअप होना था, और यहाँ पे जो है ना सारा मेकअप का सामान पड़ा हुआ है, लैशेस वगैरह हैं, पैलेट्स पड़ी हुई हैं उनकी। हम लोग बहुत देर से आए हुए थे, कोई 6 बजे का आया हुआ था, कोई 7 बजे का, कोई 8 बजे का, तो हर किसी को प्यास लगी थी, भाई हमें पानी दो। तो उन्होंने जी ये पानी बांटना स्टार्ट किया। अच्छा, बहुत ही अच्छा माहौल था कि मतलब जितनी बार आपको प्यास लगती थी ना, आप कहते थे पानी, तो वो फ़ौरन से आपको ना बोतल आके वाली पकड़ा देते थे, जितनी बार मांगो। कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम्हें मिल गया हो ना बस अब खैर। तो अब जी मैं पानी पी रही हूँ। अच्छा, इन्होंने ना हमें फर्स्ट डे पे फ्रेश अप बबल्स भी दिए थे, और मतलब बस अच्छा था, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें दे दी थी फिर खाने। सच बताऊँ ना, ये वो ख्वाब था जो मैंने बचपन से देखा था, और मैं आज उसे जी रही थी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी इस तरह क्लासेस लेने जाऊँगी या क्या, बस मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये सीट नंबर्स ना कुछ इस तरह से लगी हुई होती हैं, यहाँ से पता चलता है कि हम कौन से सीट नंबर पे हैं। तो मैं अपना मोबाइल ही चला रही थी बैठ के, तो अचानक से बनीता मैम आ गई, मतलब कुछ पता ही नहीं चला। एंड जब उनकी मैंने आवाज़ सुनी ना, तो मैंने कहा एक आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, एंड देन मुझे पता चला कि भाई ये बनीता मैम है, और वो ऐसे घूम रही थी, किसी को पता भी नहीं चला। फिर जो झुमट इकट्ठा हुआ ना, फिर जो लोगों ने ग्रुप बनाया, और फिर जो वो उनके पीछे पड़े ना पिक्चर्स वगैरह के लिए, तो वो तो फिर बस हो गई। खैर वो पीछे थी तो पीछे उन्होंने लोगों के साथ पिक्चर्स बनाई थी, लेकिन हम लोग जो आगे थे मतलब बिल्कुल कोने पे, वो तो निकल भी नहीं पाए। उसके अलावा आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे डील्स हैं, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं जो आप लोग सुनेंगे तो आप लोग एकदम भाग ले जाएंगे। बिकॉज हम लोग क्लास जो है मास्टर क्लास, 3 दिन की मास्टर क्लास है, नहीं आएगी। आप लोग ने आवाज़ दे दी है, हाथ रेस कर लेना, मैं आप लोगों के साथ होंगी पूरे दिन, पूरा जो जब तक ठीक है। और खूबसूरती एक्सटेंशन लगी हुई कि मेरे अपने वाले की नहीं, तो ये है कि आप लोग एक्सटेंशन लगाना बताएंगे, कलर्स की कॉम्बिनेशन, हाईलाइट्स की मिक्सिंग, हाईलाइट्स को कौन सा कलर मिक्स करना है, तो किस तरह से करना है, ये सब काशिफ आपको खुद अपने हाथों से बताएंगे। हमने काशिफ असलम का बहुत बहुत अच्छे से वार्म वेलकम करना होगा, ताकि जब आप लोगों की तालियां और आप लोगों का वार्म वेलकम होगा, तो हमें ये था कि बनीता मैम आ चुकी हैं, तो क्लास तो लाजमी भी स्टार्ट होने ही वाली होगी, क्योंकि वो अब आ चुकी हैं, क्योंकि क्लास की होस्ट थी वो। सो काशिफ सर और बनीता मैम एक ही जगह होते हैं, जहाँ वो वहाँ वो, इस तरह से होता है सीन। सो अब हम इंतज़ार कर रहे थे कि भाई गणियाँ जल्दी से ख़त्म हो, इंतज़ार की। हम आप लोगों के लिए आए हैं बहुत वार्म वेलकम करेंगे किंग काशिफ असलम के लिए, द गुरु, द किंग एंड द रियल किंग ऑफ ऑल द स्टार्स। आई मीन जितनी भी तारीफ करो वो कम है, एंड आई एम गोइंग टू प्रोनाउंस नाउ द नेम ऑफ द किंग। तो आप लोगों को बताएं The welcome was
एवरीथिंग, यानी कि जो वेलकम किया गया था ना काशिफ सर का, इट वाज समथिंग जो मतलब इस सारे क्लास की जान थी। मतलब इतना कोई अच्छा वेलकम, इतने महीनों से इंतजार था अच्छा कि वो क्लास, वो दिन आ जाए कि जब हम अपने गुरु से, अपने किंग से, अपने अपने मेंटोर से, अपने आइडल जो है हमारे, उनसे मुलाकात होगी आप लोगों का। एंड ही इज ऑल हियर, आप लोग लाइव देखेंगे उनको बराए रास्त। हम यहाँ पे जो मॉडल्स कराची, क्या कहेंगे आप, फर्स्ट टाइम जो है वो क्लास दे रहे हैं लाहौर में। एंड आई एम लुकिंग यू, यू आर वेरी एक्साइटेड एंड यू आर वेरी एक्साइटेड एंड सो प्लीज बताएं आप क्या लग रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को स्पेशली बात कहना चाहूंगा कि अभी जैसे मैं आ रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मेरे ख्याल में सोच रहे होंगे अगर सेल्फीज रह गई है तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। तीन दिन है आप लोगों के पास और हर स्टूडेंट के साथ में डेफिनेटली सेल्फीज और अपनी प्रोफेशनल पिक्चर है। काशिफ सर आ गए थे उसके जस्ट थोड़े ही देर के बाद मॉडल्स आना स्टार्ट हो गई थी जिन पे उन्होंने हमें मेकअप करके दिखाना था, सिखाना था। तो सबसे पहले जो मॉडल आई थी उनको वो रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था जो कि एक ऑब्वियसली ब्राइडल मेकअप होने वाला था जो हमारे यहाँ एक देसी लुक होता है। तो उसके बाद मैंने अपना नोटबुक निकाल लिया और पेन निकाल लिया और अब जो उन्होंने हमें सिखाना था वो हमने यहाँ पे नोट करना था, ठीक है। सो ये जो मॉडल्स के लुक उन्होंने हमें सिखाई हैं, जो फुल डिटेल मेकअप है, टिप्स हैं, सीक्रेट्स हैं, अगर आप चाहोगे तो मैं सेपरेटली सारे के सारे वीडियोज़ जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर अपने पर अपलोड करूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैं डिटेल वाले लुक नहीं दिखा रही क्योंकि हमने एक दिन में जो है ना वो 6-7 लुक सीखे थे, तो यहाँ पे एक ही वीडियो में दिखाना इज नॉट पॉसिबल। अगर आप चाहोगे तो मैं वो डिटेल के साथ जो है ना अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगी क्योंकि मैंने सारी वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड की थी। फिलहाल जो है वो मैं आपको ग्लिम्प्स दिखा रही हूँ सारे मेकअप के जो हमने सीखे हैं। काशिफ सर जो है ना करीब करीब 12 बजे आ गए थे, ठीक है, फिर वेलकम हुआ और फिर वो जब तक अपनी जगह तक गए तो तकरीबन 12:30 हो चुके थे और अब जब मेकअप वो स्टार्ट कर रहे हैं तो तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा है। मतलब हम लोग आए हैं सुबह को 8 बजे और अब 1 बजे का टाइम हो चुका है। सो सोचो आप लोग कि हम कितनी देर जो है वैसे ही बैठे रहे और खड़े रहे, मतलब टू मच हो गया था उस दिन। तो ये जो सारे ट्यूटोरियल्स हैं ये सेपरेटली मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी, सो आप स्टे ट्यून रहिएगा। और जो काशिफ सर ने हमें सीक्रेट टिप्स दी हैं ना इस क्लास के अंदर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और अब जो है मैं अपना सेकेंड डे, थर्ड डे, इन तीनों दिन के व्लॉग्स भी एड करूँगी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमने हर दिन क्या क्या सीखा और क्या क्या हुआ वहाँ पर। तो सच बताऊँ ना तो काशिफ सर जो है ना वो इतने हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं। आप उनसे बात करोगे ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो खुद को कुछ समझते ही नहीं है। मतलब वो हमें इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। उनकी आँखों से महसूस होता है कि वो हर एक मतलब अपने स्टूडेंट को कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। उसको दुनिया की कोई सी भी चीज़ कवर नहीं कर सकती है उसको। अगर आपको लग रहा है कि उसको हम बहुत ज़्यादा बिल्डेबल करेंगे तो वो नहीं हो सकता। हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम पिगमेंटेशन है, डिसकलरेशन है, वो तमाम चीज़ तो मेकअप से हम डेफिनेटली कर सकते हैं। हम स्कार को भी काफ़ी हद तक हम हाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत मोटा सा एक्ने है तो वो डिस्टर्ब करेगा। लेकिन आपने जैसे उस पर उससे मजीद कोई हाइलाइटेड टाइप का कोई ऐसी चीज़ लगा दी वो एकदम से वो स्पॉट शाइन करने लग जाए। यहाँ पर अब दूसरी मॉडल भी आ गई थी और इन पर भी अब मेकअप होगा, सारा डिटेल से उन्होंने हमें सिखाया है। अब पेट पेट के ना काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगने लग गई थी क्योंकि मोस्टली जितने लोग थे ना वो कुछ भी नहीं खा के आए हुए थे। तब जी रिफ्रेशमेंट का टाइम था, उन्होंने हमें जी ये कुछ खाने पीने के लिए दिया, जूस था, पेटी थी और दूसरा सैंडविच था। फॉर मी इट वाज इनफ, मतलब मेरा पेट भर गया था खा के। और मतलब ये भी था आप दूसरा भी उससे ले सकते थे लेकिन एक से ही मतलब हो गया था। और नेक्स्ट डे भी ना मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था क्योंकि बहुत ही यम्मी था यार। खैर हमारी जो मॉडल हमने फर्स्ट पे मेकअप सीखा था वो रेडी होके पूरी तरह से आ चुकी हैं और इनका मेकअप जो था ना वो इतना सॉफ्ट सटल मेकअप था, मतलब फील ही नहीं हो रहा था कि बहुत कुछ लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारा सेकंड लुक था जो हम सीख रहे थे पर्पल ड्रेस पे, और इस पर जो है वो जो कलर्स यूज़ किए गए थे, सारे जो टेक्निक्स यूज़ की गई थी डिफरेंट टेक्निक्स के साथ जो है ना हमें काशिफ सर ने सिखाया। मतलब जिस तरह से वो काम करते हैं ना वो सब कुछ उन्होंने हमें बताया।
एक जगह ट्यूटोरियल चल ही रहे होते थे तो जो है ना थर्ड मॉडल भी आ गई थी, मतलब काफ़ी प्रेजेंटेशंस के लिए भी मॉडल्स आई थी जो उन्होंने पहले से रेडी की हुई थी और कुछ यूं थी बिना मेकअप के आ रही थी। तो हमने बहुत कुछ सीखा, मतलब एक क्लास के अंदर ना हमने इतना कुछ सीखा। सोचिए हम सुबह को 8 बजे आए और रात को 8 बजे गए, मतलब 12 घंटे भी हमने स्पेंड किए यहाँ पे। इतनी लॉन्ग लॉन्ग आवर्स क्लास होती थी और यकीन करें काशिफ सर 1 मिनट भी बैठते नहीं थे और वो वहीं पे ही मतलब स्टिल होके ना काम करते थे और हमें सिखाई जाते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ब्रेक लेके कहीं चले गए हों या मतलब खाने पीने या कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहीं के वहीं जहाँ वो आए थे वहीं खड़े होते थे और जब तक एक स्टूडेंट भी जो है ना पूरे क्लास से निकल नहीं जाता था तब तक वो कहीं भी नहीं जाते थे, वहीं ही होते थे। मतलब यार इतना कोई सच्चा हो सकता है अपने काम के साथ। उसके बाद ये मॉडल आई थी प्रेजेंटेशन के लिए, उन्होंने पहले से रेडी की हुई थी तो ये भी हमने देखा। इनके कपड़े बहुत अच्छे थे, इनके मेकअप हेयर स्टाइल्स बहुत अच्छे थे। मेकअप लुक्स के बाद हमें हेयर कलरिंग, हाइलाइट्स, हेयर डाइज के बारे में बताया गया कि किस तरह से मिक्सिंग करनी है, किस तरह से हम कलर कर सकते हैं बालों को, उनकी अपनी जो कलर लाइन है उसके उससे ना चार्ट वगैरह से उन्होंने हमें सब कुछ बताया। उसमें भी ये हैक्स काफ़ी उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आप हेयर कलर कर सकते हो, किस तरह से हेयर हाइलाइट्स कर सकते हो, किस तरह से बालों का सेक्शन लेना है, किस तरह से आप वो फॉलिंग पेपर लगाओगे, मतलब ईच एंड एवरीथिंग वाज इन डिटेल। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि सर से उतारा गया हो। हालांकि बहुत लोग ये कहते हैं कि यार क्या सीखोगे जाके, क्या LCD में देखते हो, तो नहीं, यकीन करो कि जो आप फिजिकल जाके क्लास लेते हो ना वो बहुत ही डिफरेंट होती है। अच्छा, हमारी क्लास की जो फ़ी थी ना वो थी 35,000, ठीक है, और जो पिक्चर वाले पैसे मिला के 37 हो गए थे टोटल। तो जनवरी के एंड में ना इन्होंने एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दी थी क्लासेस के लिए, तो मैंने जब इन्होंने फर्स्ट डे पे एड लगाया था ना क्लासेस के लिए उसी दिन ही फ़ी पे कर दी थी फुल 29 जनवरी पे। और ये मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था कि मैं क्लासेस अटेंड करूँ। मैंने अपनी अम्मी से इजाज़त ली, फिर अम्मी ने अबू से बात की, फिर उसके बाद मतलब एक स्ट्रगल थी सबको मनाना क्योंकि हम लोग रहते हैं रावलपिंडी और हमें जाना था लाहौर, और बस पता नहीं कैसे ये सब हो गया लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हुआ। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा हेयर कटिंग के बारे में भी उन्होंने हमें बताया और उसके अलावा उन्होंने हमें लिफ्टिंग के बारे में बताया, कौन से वॉल्यूम यूज़ किया है, क्या मतलब सब कुछ डिटेल, इन ईच एंड एवरीथिंग वाज इन डिटेल। दूसरा डिस्काउंट्स भी दिए थे उन्होंने, वो जो उनकी 50% ऑफ वाली, अप टू 50% ऑफ वाली मेरे ख्याल से 12 फरवरी को जो लगी थी सेल ना, सेम उन्होंने हमें भी ऑफर किया था कि आप वही सेल जो है ना आप फिर से अवेल कर सकते हो। एक दूसरा सरप्राइजिंग ऑफर ये था, ये उन्होंने बहुत पहले बंद कर दिया था लेकिन अब फिर उन्होंने हमारे लिए अपॉर्चुनिटी दी थी कि अगर कोई 1 लाख की परचेजिंग करेगा, जो कि ऑब्वियसली इतनी ब्यूटिशियंस थी, इतने बड़े बड़े सैलून की थी ब्यूटिशियंस, तो उन्होंने तो 1 लाख से ऊपर की परचेजिंग करनी थी, छोटी छोटी चीज़ें उतनी ज़्यादा हो जाती हैं, तो कोई भी 1 लाख की परचेजिंग करेगा तो उसको ना एक ऑफ़र मिलेगी। वो ऑफ़र ये है कि आप अपना पूरा प्रोफाइल बना सकते हो, जैसे काशिफ सर अपने मेकअप्स वगैरह करके सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, उनकी ड्रेसिंग जो इतनी अच्छी होती है, मॉडल्स की ज्वेलरी इतनी अच्छी होती है, मेकअप इतना अच्छा होता है, तो आप भी ये सेम चीज़ कर सकते हो काशिफ सर के सैलून में फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर आपकी अगर 1 लाख की परचेजिंग होगी तो आपको कपड़े भी ये लोग फ्री में देंगे, उनके काशिफ सर के डिज़ाइन किए गए ज्वेलरी, मेकअप और फोटोग्राफी और बैकग्राउंड जो ये सारा इनका है सैलून में अच्छा, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो जाहिर सी बात है अगर मुझे अपने सैलून के लिए प्रमोशन करवानी है, मार्केटिंग करवानी है, तो मुझे मॉडल हायर करनी पड़ेगी, चलो मॉडल मेरी होगी, कपड़े लेने पड़ेंगे रेंट पे, जगह लेनी पड़ेगी, मेकअप करवाना पड़ेगा, फोटोशूट करवाना पड़ेगा, फिर बैकग्राउंड के खर्चे, तो ये सब कुछ फ्री में था 1 लाख की परचेजिंग में, जो कि हम खुद कर रहे थे अपने लिए। मतलब कि हमें कपड़े भी ये फ्री देंगे, ज्वेलरी भी फ्री देंगे और मेकअप भी फ्री देंगे, और दूसरा हेयर एक्सटेंशंस वगैरह सब कुछ फ्री होगा, बैकग्राउंड और फोटोग्राफी वगैरह सब कुछ फ्री होगी काशिफ सर की तरफ से। और ये भी था ऑफ़र में कि भले आप मेकअप करो या इनकी टीम आपके मतलब मॉडल का मेकअप करे, आप करो तो आप करो वरना वो करेंगे, ठीक है, लेकिन आप ये कहोगे कि जी ये मैंने किया है। जाहिर सी बात है हर ब्यूटिशियन ही इतनी एक्सपर्ट थी कि वो बहुत अच्छा मेकअप कर जाती है, लेकिन ये है कि समटाइम्स हम जो कैमरा में मेकअप करना होता है वो नहीं कर पाते हैं रियल में, तो काशिफ सर की टीम भी आपका मेकअप कर सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट वो 1 लाख की परचेसिंग वाले में, ठीक है। तो आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए आओ, थोड़े टचअप्स करके दिखाओ कि भाई आपने मेकअप किया है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये ऑफ़र था और बहुत लोगों ने ये ऑफ़र जो है वो अवेल किया और अब वो जाएंगे जब भी उनको टाइम मिलेगा अपनी मॉडल साथ लेके।
तो उनके लिए इतनी ज़्यादा आसानी कर दी। सोचें, आपको फोटोग्राफी फ्री में मिल रही है, कपड़े फ्री में मिल रहे हैं, जगह फ्री में मिल रही है, मेकअप करने के लिए जो लोग हैं आपके वो फ्री हैं। मतलब बहुत कुछ इन 1 लाख में नहीं हो सकता अगर हम जनरली खुद करवाएं तो इतने सारे मेकअप लुक्स हो चुके हैं, सब कुछ हमने डिटेल में सीखा। तो अगर आप चाहते हो सीखना तो मैं ये सारे के सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो डिटेल के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो काशिफ सर ने हमें टिप्स दी हैं ना मेकअप से रिलेटेड, के मेकअप ख़राब हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, ऑयली हो जाती है स्किन, वो सब कुछ हमें उन्होंने बताया है, वो भी मेरे टिप्स जो हैं वो जल्दी जल्दी अपलोड करूँगी। दूसरी बात, हमें एक्सटेंशंस वगैरह नहीं लगानी आती, तो एक्सटेंशंस भी जो है वो हमें काशिफ सर ने लगाना सिखाई। उन्होंने कहा कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमारी वाली एक्सटेंशन हो, आपके पास जो भी हैं आप वो इसी वे में ही अप्लाई करोगे, ठीक है, इसी वे में लगाओगे। और उन्होंने हमें बताया भी कि आप किस तरह से बालों की सेटिंग करके रखो और किस तरह से फिर आप एक्सटेंशन अप्लाई करो तो आपके बेस्ट लुक आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही मस्त थी। मतलब छोटी छोटी इतनी टिप्स उन्होंने हमें दी है ना कि यकीन करें कि अब जो है ना मेकअप में कोई ख़राबी ज़्यादा आ नहीं सकती इंशाल्लाह। तो इस क्लास में एक चीज़ मैंने बहुत डीपली सीखी वो ये कि आज का काम आज ही करना चाहिए। मतलब मुझे एक क्वेश्चन करना था उनसे, वो मैं मतलब एक शायनेस की वजह से कर नहीं पाई। हालांकि मैं फ्रंट पे बैठी थी, मैं इजीली उनसे बात कर सकती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैंने ये कहा कि मैं कल करूँगी कल, लेकिन कल वाले दिन मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या हुआ था। सो नहीं कर पाई, तो आज मुझे रिग्रेट होता है कि काश मैं उसी दिन उनसे सवाल कर लेती तो मतलब मेरी बात उन तक पहुँच जाती। खैर, उन्होंने कहा भी था पर्सनली, लेकिन बस उस वक्त वो मेरा जो मैसेज था वो सबके सामने जाता तो ज़्यादा अच्छा था। वो मेरी बात मेरे दिल में ना रहती। और अब तो पता नहीं हम कब इस क्लास को फिर से ज्वाइन कर सकें, फिर पता नहीं कब ये मौका मिले ना मिले, ज़िंदगी का क्या ही पता। सो बस ये था कि काश मुझे कह देना चाहिए था उसी दिन, मतलब जो सवाल करना था, जो चीज़ें पूछनी थी उनसे। अच्छा, हेयर कलर जो है वो कलर ट्रीटेड हेयर्स और वर्जन हेयर्स दोनों पर ही करके दिखाए थे ताकि हमें पता चले कि किस तरह से दोनों पर काम होता है। बाकी अब यहाँ पे जो है ना हम वेट कर रहे थे कि क्लास एंड हो और फिर हम जो है काशिफ सर के साथ सेल्फीज वगैरह लें। और दूसरी बात ना, मुझे अपने मेकअप पे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे कि आपका मेकअप बहुत अच्छा हुआ हुआ है, बहुत स्टे किया हुआ है, आपकी फेस ग्लोई बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि मैंने शीट मास्क वगैरह यूज़ किया था, स्किन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी की थी, तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहा था और बहुत ज़्यादा ग्लोई और सटल था। बाकी यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स बनी, दिल वाला कनेक्शन हो गया अब उनके साथ। तो सब मतलब ना जा रहे थे, अब किसी को कुछ भी नहीं था पता कि आगे क्या होगा। सब ने कहा भाई अब कौन सा आप पिक्चर्स ली जाएंगी, क्या होगा, लेकिन मैं और मेरी जो फ्रेंड्स थी और कुछ और लेडीज़ जो थी ना वो रुक ही रही जब तक क्लास एंड ना हुआ। फिर रुकने में ये फ़ायदा हुआ कि हमने लास्ट में काशिफ सर के साथ सेल्फीज़ ली, हमने उनसे बातें की, तो लाइन बाय लाइन हर किसी को मौका मिला, हर एक स्टूडेंट को मौका मिला उनके साथ सेल्फ़ी लेने का। तो हम लोग नहीं गए, हम लोगों ने मतलब ये नहीं सोचा कि बहुत टाइम हो गया अब जाना चाहिए, लेकिन हम लोग खड़े रहे और हमें भी टाइम मिला उनके साथ सेल्फ़ी लेने का। और डेली ऐसा ही होता था, वो हर एक स्टूडेंट के साथ फ़ोटो लेते थे और जब तक एक भी बंदा बाहर नहीं चला जाता था वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाते थे। फाइनली मेरा फ़ोटो मेरा वीडियो उनके साथ बन गया, उन्होंने खुद ही बनाया था और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विशेज़ दी, सो काइंड। यार आपने देखा होगा कि बिल्कुल सुबह को मैं आई थी और अब बहुत ज़्यादा मतलब रात हो चुकी है और अब ये सैलून के नज़ारे हैं, रात के वक्त के सारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं, मैं भी जा रही हूँ अपने होटल। सो अब आप वेट कीजिएगा डे 2 के व्लॉग का। आज का व्लॉग यहीं एंड होता है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।